भाजपा की रैली से रैली की गाड़ियां निकल रही थी, तो आमने सामने इस वक्त देख सकते हैं बलेनो और स्कॉर्पियो की जबरदस्त ताबड़तोड़ टक्कर लगी है। हम इंटरव्यू कर रहे थे और पीछे से एकदम से धप की आवाज़ आई और देख सकते हैं कि ये दोनों गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बलेनो गड्डी है HR08AB3869 और आगे भाजपा प्रमुख पूर्वांचल प्रकोष्ठ का जो टैग लगा हुआ है, और ये जो गाड़ी स्कॉर्पियो है ये इधर से आ रही थी और बलेनो रोंग साइड से किस तरीके से आ रही थी और टक्कर लगती है। टक्कर लगने के बाद ये आप देख सकते हैं गाड़ी का हॉर्न लगातार बजे जाने से पूछने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। देख सकते भाई किधर से जा रहे थे, क्या हुआ था? सर मैं जा रहा था, सीधे जा रहा था और सामने वो गाड़ी अचानक आ गई, हाँ रॉन्ग साइड सीधी आई है सामने, तो टक्कर हो गई। टक्कर हो गई सर। आप कहाँ से हो? मैं सर राजस्थान का हूँ। रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी? सर वो रॉन्ग साइड सीधी आ रही थी, मैं तो सीधे ही जा रहा था, अचानक आ गई बीच में। नुकसान हुआ? नुकसान सर ये आगे से देख सकते कि माहौल पीछे गर्म हो चुका है। हालांकि आप देख सकते कि सामने बलेनो गाड़ी खड़ी कर दी गई है, रॉन्ग साइड से किस तरीके से ये बलेनो गाड़ी आ रही थी और सामने से आ रही स्कॉर्पियो के अंदर जो जबरदस्त टक्कर होती है। बस अब क्या कहेंगे, कैसे हुआ एक्सीडेंट कुछ बता सकते हैं? ये एक्चुअली रश बहुत पड़ा है, रैली में बहुत रश है, जगह थी नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कहाँ से मोड़ना करना। ये गाड़ी वैसे पंप पेट्रोल पंप से निकली है तो रॉन्ग साइड से आ रही थी, लेकिन उसका भी इतना कसूर है, सामने वाले ने भी तेज़ गाड़ी आ रही थी तो दोनों की थोड़ी बहुत गलती है। नहीं बचाव हो गया, दोनों का बचाव हो गया, गाड़ी में एक्सीडेंट होता रहता है, ये ठीक हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। चोट तो लगी? आप थे गाड़ी में सवार? आपके? नहीं मैं सामने वाली गाड़ी में था, मैं अपना साहिल की गाड़ी में था तो उसके वहाँ मैं उसकी गाड़ी में से उतर के यहाँ आया हूँ और साहिल जी हम सारे ओके हैं और ये गाड़ी वाले भी सारे ओके हैं, अपने ही बंदे हैं, कोई गैर नहीं है। चोट तो लगी? ना ना किसी को चोट नहीं लगी। देख सकते हैं कि फिलहाल कुरुक्षेत्र से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बलेनो और स्कॉर्पियो की जो आपसी टक्कर होती है, दोनों गाड़ियों को अभी साइड कराया गया, देखना होगा कि क्या कुछ फैसला था। मेरी आप सभी से अपील है अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो रॉन्ग साइड मत चलाएं, किसी वक्त भी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल गाड़ी का हॉर्न जो है शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जब से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तब से लगातार हॉर्न बज रहा है। बलेनो की तस्वीर आप देख लीजिए, भाजपा का झंडा जरूर लगा हुआ है और देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉन्ग साइड में बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड में ये गाड़ी आ रही थी और रॉन्ग साइड में गाड़ी आने के बाद जो है इसमें टक्कर लग जाती है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।